हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ कंसेप्ट बाय संदीप सर। तो जैसा कि आप लोग हमेशा यानी हम लोग हमेशा इस चैनल पे आसपास में हम लोग के जो भी घटना घटित होता है, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो या नॉर्मल कोई घटना हो, तो उसके पीछे क्या वजह होता है वो जानने का हम लोग कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में या इसी क्रम में बोले तो आज जो हम लोग का टॉपिक है, जिसको आपने थंबनेल पे पढ़ा भी होगा कि रात के समय झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे, हिंदू मान्यता के अनुसार लक्ष्मी को धन का देवी माना जाता है। और ऐसा माना जाता है जिनके घर में लक्ष्मी का आवास होता है उनके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती। और इसके साथ साथ ये भी आप लोग जानते होंगे, आपके घर में जो भी दादी लोग होंगे, मम्मी लोग बोलती है कि रात के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी घर से नाराज़ होकर बाहर चली जाती है। तो इसके पीछे क्या वैज्ञानिक तर्क है, उसी बात को हम लोग आज इस वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे। अगर आप पहले से इसके बारे में कोई तर्क जानते हैं तो फिर ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि अभी आप इस बात को नहीं जानते और अभी आप चाहते हैं इस बात को जानना या समझना, तो फिर आप बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में। तो आइए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। एक्चुअल में कहानी शुरू होता है आदम युग से। आदम युग मतलब आज से हजारों साल पहले से। इंडिया को जैसा कि आप लोग जानते होंगे सोने का चिड़िया कहा जाता है, तो इसके पीछे लॉजिक भी है। सोने का चिड़िया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया शुरू से ही बहुत ही एक बोले तो धन संपन्न देश था, या बोले तो देश फिलहाल है भी। एक समय क्या था, हमारे यहाँ था या बोले तो अभी के समय भी, जो भी घर में स्त्री लोग होती हैं, महिला लोग होती हैं, बहुत सारे गहने पहने रहे। अभी हम लोग बल्ब का आविष्कार, अभी आप लोग जैसे बल्ब से पढ़ाई करते हैं, लेकिन इस बल्ब का आविष्कार मुश्किल से 100-200 साल पहले हुआ है, ये बात आप ये भी जानते होंगे। लेकिन गहना जो महिलाएं लोग पहनती थी वो हजारों साल पहले से पहनते आ रही है। और घर का ऑलमोस्ट जितने भी काम काज होते हैं वो सभी महिलाएं ही करती हैं। तो ऐसे स्थिति में पहले क्या दिक्कत था कि रात के समय अगर महिलाएं घरों में झाड़ू लगाती होंगी तो उस समय क्या होता होगा कि किसी महिला का नाक मेका या कान मेका, जिसका साइज तुलनात्मक रूप से बहुत ही छोटा होता, वो गिर जाने के कारण उसको ढूंढा अंधेरा में बहुत मुश्किल होता होगा। हो सकता है सुबह तक वो कोई दूसरा उठा ले, या मतलब उसको खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाता हो। इसके वजह से ऐसा माना जाने लगा कि रात के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाएंगी, यानी जो भी गहना गुड़िया है खो जाएगा। अच्छा, उसी को तो हम लोग लक्ष्मी मानते, गहना हो गया या फिर पैसा रुपया हो गया, इस सबको हम लोग लक्ष्मी मानते। इस वजह से रात में झाड़ू लगाना ऐसा माना जाने लगा कि नहीं लगाना चाहिए। लेकिन इस बात की प्रासंगिकता वर्तमान समय में बोला जाए तो मुझे नहीं लगता इस बात की कोई प्रासंगिकता है, क्योंकि अभी के समय में हम लोग जानते हैं इतने सारे लाइट्स हो गए हैं, ताकि दिन से ज़्यादा लाइट तो आप रात में प्रयोग कर सकते हैं इतने सारे बल्ब जलाकर। तो मेरे ख्याल से जहाँ पे पूरी तरह से लाइट का सुविधा उपलब्ध हो, या बोले तो अगर आप गहने कोई जेंट्स हो जो झाड़ू लगाते हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बाहर रहकर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप लोग झाड़ू लगाने में कोई दिक्कत विशेष नहीं है और आपसे लक्ष्मी जी नाराज भी नहीं होंगे। इसके पीछे यही लॉजिक है, दूसरा कोई विशेष लॉजिक नहीं है। इस वीडियो में हम लोग इसी बात को समझने का कोशिश की है। बाकी इस वीडियो से अगर किन्हीं को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। बाकी अगर कुछ आपको सोचने का एक नया नज़रिया मिला हो, मैं ये बोल रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि ये पूरे तरह से सत्य हो, इसके पीछे एक लॉजिक आप लोग सोच सकते हैं, इसके पीछे ये लॉजिक हो सकता है। बाकी अगर इससे आपको कोई एक सोचने का नज़रिया मिला हो तो फिर आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू।